प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान लाभार्थियों ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की। इस दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम को वर्चुअली सुना एवं विकसित भारत बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। इस दौरान डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ दिला चुके हैं। जिस प्रकार किसान, गरीब, युवा एवं महिलाओं के लिए काम किया गया है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का भारत बने, हमारी सरकार उसी विजन पर काम कर रही है। आगे सीएम ने कहा कि मैं खुद विभागों में लगातार औचक निरीक्षण कर रहा हूं, व्यवस्थाओं का आकलन कर रहा हूं। कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव के अलावा दक्षिण पश्चिम विधायक भगवान दास सवनानी, भोपाल महापौर मालती राय, भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी एवं भाजपा नेता सुमित पचौरी मौजूद रहे। बता दें आपको कि पिछले साल 15 नवंबर को इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से मोदी ने पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ नियमित रूप से संवाद किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आज स्वयं उपस्थित होकर के जो जिस प्रकार से वो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी की 11 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को लाभ दिला चुके हैं, मैं प्रधानमंत्री के इस पूरे अभियान का जनता के हित में जो बड़ा संकल्प है उसका स्वागत करता हूँ। मध्यप्रदेश में भी हम लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो देश की रेटिंग है नंबर 1 पे चल रहे हैं और अधिकतम लाभार्थियों तक इसका लाभ मिले उसी भावना के अनुसार आज यहाँ से जुड़ा था। यहाँ की विधानसभा के माननीय विधायक हमारे गोविंद भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय नगरपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका निगम अध्यक्ष और इस अवसर पर सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ जनता के बीच बैठ करके हमने मोदी जी के पूरे मनोभाव को, पूरी उनकी चर्चा को, उनके विषय को सुना है और निश्चित रूप से हमारे लिए प्रसन्नता की बात है जिस प्रकार से उनने चार जातियों पर जोर दिया है, किसान, गरीब, युवा, महिला, हम चारों विषयों पे काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री का जो मनोभाव जान करके प्राकृतिक खेती, फर्टिलाइजर को यथासंभव कम से कम करते हुए और विश्वकर्मा योजना सहित सभी योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन हो, हर एक हाथ में काम हो, हर एक के जीवन में खुशहाली आए, हर एक का जीवन बदले और यशस्वी प्रधानमंत्री के सपने का भारत बने, हमारी सरकार उसी में काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, खुली जेल को लेकर सर आप लगातार क्या विस्तार किया जाएगा? देखिए, सभी प्रकार के विभाग अपनी दक्षता से काम करें, इसलिए जो कि होम मिनिस्ट्री मेरे पास है, जेल मंत्री भी मैं हूँ, मैंने औचक निरीक्षण का जो लगातार क्रम जारी किया है, मैं हर एक विभाग के अंदर ऐसे जा कर के उनके अंदर की सुविधाओं का ठीक प्रकार सरकार की भावनाओं का वो संचालन हो, उसमें आने वाली असुविधाओं को मैं दूर करूँ, उसी भाव से मैं जेल विभाग में गया था और जेल के कैदियों के जीवन में भी जो मानवीय संवेदनाओं के साथ देखने वाली बात हो सकती है कि जेल के अंदर कैदी है, अगर उनके अंदर शासन की योजनाओं का लाभ मिलकर के उनका जीवन बदलता है या विधिक सहायता मिलकर के उनके लिए कोई बड़ा दरवाज़ा खुलता है, ऐसे कई सारे विषयों को लेकर के मैं लगातार अधिकारियों को भी पक्का कर रहा हूँ और सुझाव भी रहा देखिए, जहाँ जहाँ ये कोई कठिनाई आ रही है सरकार सजग है और उसकी चिंता कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।